सुखमय होगा और एक आप सुप्रसिद्ध जोड़ा बनेंगे। सातवां कदम आप यानी पतिव्रत धर्म का पालन करने के लिए लड़की को अपने साथ ले चलते हैं। तो लड़की बोलती है होमे यज्ञ विवाह कन्यादान अंचल ग्रंथि माधाय भवताम वाम अंग संस्थित अर्ध पुण्य घृष्यामि नदम पाप भागिनी अर्ध पाप रस संचालन करे। यदि कोई सातवीं शतक में लड़की बोलना दी कि जाले तो सबको चल पुण्य का काम करना अपने करें अनुष्ठान करना उद्यापन करना दान पुण्य करना में चट्ट होना फिर थोड़े बाई और आई कने थोड़ा अंचल पक्ष कने बैठी जाना फिर क्या करना अर्ध पुण्य घृष्यामि आपके उस पुण्य में से अद्धा भाग ले लूंगी नदम पाप भागिनी आपके पाप की भागदारी नहीं बनूंगी अर्ध पाप प्रदास्यामि अपना अद्धा पाप तो जुदेंगी। आप सोच रहे होंगे कि मेरा पुण्य ले रही है अद्धा मेरा पाप नहीं ले रही है अपना अद्धा पाप मुझे दे रही है ये क्या चक्कर है क्या धर्म संकट है। कोई धर्म संकट नहीं है मनीष जी सीधी बात है ये लड़की ने घर चलाना है या झाड़ू इत्यादि लगाना पड़ेगा या खाना इत्यादि बनाना पड़ेगा उसमें छोटी छोटी जीव हत्या हो जाती है वो जो पाप होता है वो मियां बीबी का सांझा पाप होता है उसका अद्धा भाग हर पति को लेना पड़ता है। मतलब है इसमें कोई बुरी बात नहीं है लड़की स्पष्ट बोला थी कि अगर दूसरा कोई भारी पाप करूंगी मनीष जी तो मैं खुद उसको स्वयं भोगूंगी आपको उसका दबा नहीं दूंगी तो संशय खत्म यही सीधी बात है। अब बोल दीजिए जोर से बोल दीजिए हाँ जी बिल्कुल बोल दीजिए। अब एक साथ मनीष जी देख लेना लड़की को भी मैं बताऊंगा ये सारी बातें कि एक शर्त जो है बर की तरफ से होती है लड़की के लिए शिवपुरा जी कान खोल करके सुनना आदो धरिंदरा कुटुंब सुभदा तथ्य परिभाषिणी क्रोध अरस्य विवर्जिता सुख करिंदित वच कारणि उद्यान मध्य प्रस्थान पर गहे गमने तथा पर पुंसरति गर्ते हासिन वर्जुन स्वयं सदा। शिप्रा जी अच्छी औरतें गुण होते हैं शालीनता सजनता अच्छा चरित्र अच्छा यानी शालीनता या अच्छा चाल चलन आपको तो कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है आपके घर में आपके माताश्री अच्छी कुलवंती एक माँ है अच्छा सब कुछ उनके अंदर संस्कारों से आपको ओतप्रोत कर दिया है। फिर भी चलो मैं थोड़ा अपने मुखारविंद से आपको उपदेश करूंगा सत्य तथा प्रिय भाषण बोलना यानी शिवपुरा जी सच बोलने वाली आदत यहाँ से लेकर के जाना है प्यारा लगने वाला बोलना है ऐसी वाणी का उस घर में प्रयोग नहीं करना है शिवपुरा जी जिससे यानी वो घर जुड़ने की बजाय टूटने लगे। आपने यानी मीठा बोलना है आपने सबको अच्छा लगने वाला बोलना है। इसके अलावा शिवपुरा जी यानी अगर लड़का कम समझदार या कम पढ़ा लिखा भी हो परंतु अगर औरत समझदार है जिस घर में वहां कभी भी यानी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है या वहां कभी भी लक्ष्मी का अभाव नहीं रहता है। आपने एक साक्षात जैसे अब यहाँ आप लक्ष्मी रूपे हैं वर विष्णु रूपे हैं तो कम से कम यानी लक्ष्मी जैसे गुणों को यहाँ से लेकर के जाना है। इसके अलावा शिवपुरा जी देखो क्लीरा डाला गया है या डाला जाएगा तीन कोड़ियां लगी होती है तीन घरों की लाज रखनी है शिवपुरा जी आपने एक मामा जी की एक मायके की और एक ससुराल की तब जाकर के वो तीन कौड़ियां लगाई जाती हैं। लड़की के लिए एक शिक्षा है प्रेरणा है कि बच्चा तीन घरों की लाज रखना आपने। इसके अलावा शिवपुरा जी गोला लगा होता है गोला अंदर से नरम होता है नरम बन के रहना है गोला बाहर से सख्त होता है सख्त बन के रहना है किसी भी प्राय पुरुष को अपनी इज्जत के ऊपर हाथ नहीं लगाने देना है। इसके अलावा किसी के घर में बिना बुलाए नहीं जाना है शिवपुरा जी। इसके अलावा ये नहीं अब मायके में भी आना है तो पूरे मान सम्मान के साथ आना है और जाना है तो पूरे मान सम्मान के साथ जाना है। शिवपुरा जी आज मनीष जी के अच्छे दिन चले हुए हैं कल को बुरे दिन आए और आप बैग उठाएं और अपने मायके चले आए बिल्कुल गलत। शिवपुरा जी आप ऐसा नहीं करेंगे परंतु फिर भी मैं आपको उपदेश करता हूँ कि आज जैसे भी समय है कल को भी ऐसा समय अच्छा रहेगा परंतु आपने ये प्रण करना है कि मनीष जी के साथ मैं सुख में सुखी रहूंगी दुख में बराबर कंधे से कंधा मिला करके मैं साथ दूंगी तब जा करके आप एक अच्छा जोड़ा कहलाएंगे शिवपुरा जी। इसके अलावा ये सारी बातें जो मैंने बताई ये लड़के के द्वारा कहा हुआ वाक्य है। लड़का कह रहा है कि अगर ये सारे गुण आपके अंदर होंगे शिवपुरा जी तो मैं एक जन्म नहीं सात जन्म आपका पालन करूंगा। बोलो शिवपुरा जी हाँ
मनीष जी से खत्म, लड़की ने भी आपकी बातें सारी मान ली हैं। अब ऐसा है, भगवान आप दोनों बच्चों को दीर्घायु प्रदान करें, दोनों बच्चों को यानी वैवाहिक जीवन का सुख प्रदान करें, चारों पदार्थों का सुख प्रदान करें, आपका मान, आपका यश, आपकी कीर्ति चारों दिशा में फैले, अपने अपने माता पिता का आप नाम रोशन करें। बर दीर्घायु कन्या सौभाग्यवती भव, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ ध्वजा, मंगलम पुंडलिकाक्ष, मंगलाय।